फिल्म की जर्नी की शुरुआत किस तरह से थी? शुरुआत मतलब हम लोग देखते हैं सोसाइटी में जितने सारे मतलब केसेस हो रहे हैं, वो केसेस की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको डील किया जाना चाहिए। तो हमने इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया, फिर स्क्रिप्ट बनी, इस तरह से हमने इस बारे में कुछ करने के लिए सोचा, क्योंकि जो सोसाइटी में हो रहे हैं जितने सारे घटनाएं हो रही है उस घटनाओं के आधार पर ही हमने ये फिल्म बनाने के बारे में सोचा। जी, बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म बनी है ये सब्जेक्ट पर, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से डील किया है हमने थोड़ा अलग से डील किया है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस गिविंग सिस्टम जो प्रोसेस है ये सब हमने नहीं दिखाया है, ये सब से ज्यादा हमने इम्पोर्टेंस दिया है व्हाट हैपेंस टू द सर्वाइवर, व्हाट हैपेंस टू द विक्टिम, उनको कैसे हम लोग कुछ राहत दें, उनको कैसे हील करें, उनका पेन को हम कैसे डील करें, कैसे हील करें, कैसे उनका जो ह्यूमन राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स है टू राइट टू लीव विद डिग्निटी, तो उस बारे में हमने सोचा है और ये फिल्म उस बारे में है कि ये ट्रॉमा से उनको कैसे निकाला जाए। आप एक लॉयर भी हैं, तो आप इस तरह के बहुत सारे केसेस पे डील भी कर चुकी होंगी। जी। तो एक लॉयर होने के नाते फिल्म को क्या फायदा होगा, कितने डिटेल में लोग फिल्म को समझ पाएंगे, इस गंभीर मुद्दे को समझ पाएंगे? देखिए, फिल्म होती है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया, जो फिल्म सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। एक फिल्म, फिल्म अगर चाहे तो हर एक कोने में जा सकता है, हर एक दिल को छू सकता है। तो ये एक एज ए लॉयर में कोर्ट में केस लड़ती हूँ तो वो केस तक ही सीमित रहती है, लेकिन जब ये फिल्म के हिसाब से आती है, लोग देखते हैं, तो लोगों का दिलो दिमाग में इसका असर रहता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि कुछ फिल्मों ने सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस में उन लोगों का फिल्म का कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम लोग थ्री इडियट्स के बारे में बोल सकते हैं, तारे जमीन पर के बारे में बोल सकते हैं, फिलहाल ये रिलीज हुई 12 फेल के बारे में बोल सकते हैं, ये सब फिल्म ने अच्छा इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी में। तो लोगों का नजरिया भी बदला है फिल्म देखने के बाद। तो कुकी का भी ऐसा ही है, हमारा उद्देश्य है कि ये फिल्म देखने के बाद लोगों का, सोसाइटी का, मीडिया का, प्रशासन का, जस्टिस सिस्टम का, सबका थोड़ा नजरिया बदले, सब लोग इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचे, गवर्नमेंट भी इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचे, सारे सोसाइटी के सोशल एक्टिविस्ट जो है सब लोग सीरियसली सोचे, समाज में कुछ परिवर्तन हो इस सब्जेक्ट को लेकर के। और ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कुकी इज नॉट जस्ट ए फिल्म, कुकी इज ए मूवमेंट, वी हैव स्टार्टेड ए मूवमेंट इन द वे ऑफ ए फ्यूचर फिल्म। फिल्म इसीलिए चुना है हमने कि मैंने पहले ही बोला कि फिल्म एक स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है, जब लोग देखेंगे तो फिल्म को मतलब फील करेंगे, जो हम कहना चाहते हैं वो दिल से दिमाग से इसको फील करेंगे, इस पे सोचेंगे। इसीलिए हमने मैंने सोचा है कि कोर्ट के दायरे में रह करके जो मैं कर सकती थी उसे एक फिल्म बना के लोगों के पास ले जाके उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल में हम लोग कर सकते हैं। आप सबको अभी तक मैंने जितना बताया कि ये एक सीरियस सब्जेक्ट में है, तो लोग ऐसा ना सोचे कि हम लोग जा करके वहाँ हमारा सरदर्द हो जाएगा इतना सीरियस बातें सोच के, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे फिल्म में एंटरटेनमेंट फुल ऑन है, बहुत भरी पड़ी है और बहुत सुंदर सुंदर संगीत भी है, म्यूजिक है, सॉन्ग्स है जो अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाया है, सुनिधि जी ने गाया है, दिव्या कुमार जी ने गाया है, मोहम्मद फैज, कृतिका ने गाया है, तो अच्छे संगीत है, अच्छा सीनरी है, अच्छा, इट इज़ अ वेरी क्यूट लव स्टोरी। एक्चुअली कुकी इज ए क्यूट स्वीट 16 लव स्टोरी ऑफ ए वेरी स्वीट 16 टीनेज गर्ल and about her dreams, about love, everything. Then something happens and that deals with a serious matter. So, ऐसा नहीं है कि कुकी देखने
के बाद आप लोगों का सर्दर्द होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखने के बाद आप लोगों को एंटरटेन भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, और आप लोग मतलब एक अलग नजरिया से आप लोग एक सब्जेक्ट को सोचेंगे। मेरा अगला सवाल देवेंद्र जी आपसे है जी, आप देखकर किरदार की बात की जाए तो क्या किरदार निभा रही हैं? मैं इस फिल्म में आप सबके किरदार को निभा रही हूँ। so, मेरा किरदार एक जर्नलिस्ट का है एंड वो क्या करती हैं इस केस में, एंड ऑल्सो यहाँ पे ये दिखाया गया है इस किरदार के थ्रू कि बहुत बार लोग बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सो इवन निवेदिता ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बोलते हैं ना, क्रिमिनल को अपने हाथ में कानून लेने के लिए टाइम नहीं लगता, पर एक नॉर्मल सिटीजन को यू नो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के लिए भी डर लगता है हमें। सो वैसा हो जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो करना तो चाहती थी पर हेल्पलेसनेस के वजह से वो नहीं कर पा रही थी। सो वो इतनी हेल्पलेस थी कि उनको फिर बीच में ही यू नो बहुत सारी चीज़ें छोड़कर जानी पड़ी थी। सो ओवरऑल ये यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम वही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं विक्टिम के लिए, पर आफ्टर ऑल हमारे हाथ में हर एक चीज़ नहीं होती है। जैसे आपने टीजर में दिखा ही होगा कि जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं होता तब तक आप गिल्टी नहीं होते हैं, तो उसे प्रूफ करने के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, इतना ईजी भी नहीं होता है हर एक चीज़। बट इन सब में उस विक्टिम का जो पेन होता है, उस पेन को आई गेस उसके पेरेंट्स के अलावा बहुत कम लोग हैं मतलब जान सकते हैं या देख सकते हैं, उसे देख के महसूस, बट एक्चुअली व्हाट शी गोस थ्रू वो पेन कोई फील ही नहीं कर सकता है। सो वही एक थी कि बीइंग अ जर्नलिस्ट और ऊपर से एक औरत होने के बावजूद भी वो कितना भी कुछ करना चाहे बट शी वॉज जस्ट हेल्पलेस। आपने जैसे बताया आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं, जर्नलिस्ट के कहीं ना कहीं बहुत बंधन होते हैं, एक लिमिटेशन होते हैं, उनसे जब तक डेस्क वाले से परमिशन नहीं मिलेगी स्टोरीज नहीं चल सकती, क्या उन बंदिशों का सामना जी बिल्कुल करना पड़ा है, वही मैंने इसलिए मैंने आप लोग देखिएगा आप लोग उनका पेन भी फील करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अभी हम शायद साल में एक दो तीन ऐसे केसेस सुनते होंगे जहाँ पे यू नो कैंडल मार्च होता होगा या बहुत बड़े बड़े न्यूज छपते होंगे, पर ऐसे बहुत सारी जगह है, बहुत सारी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे केसेस शायद रोज होती होंगी, लोगों को शायद पता भी नहीं है। सो ऑफकोर्स अभी जर्नलिस्ट का ही रोल मैंने प्ले किया है, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, बट आई एम श्योर आप लोग डिनाई भी नहीं करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि शायद कुछ ऐसा एक धमाकेदार जो एक टीआरपी वाली न्यूज़ मिल जाती है, उस टीआरपी वाली न्यूज़ में ये न्यूज़ छुप जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चलता है। सो आई गेस कहीं ना कहीं हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं एक तरफ से कि ऐसे बहुत विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाता है। सो सोशल मीडिया के दौर में आज जर्नलिज्म पूरी तरह से बदल चुका है, एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल चुका है आपको कि आपकी न्यूज को कोई दबा नहीं सकता है, ये जो आज का जो ईरा चल रहा है उसको लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि सोशल मीडिया जितना अच्छा कर रही है उतना बुरा भी कर रही है, जैसे हर एक चीज़ का कॉइन का दो साइड होता है वैसे ही इस सोशल मीडिया का भी वैसे दो साइड है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पेश करना चाहे अच्छे यूज़ करना चाहे तो उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, वरना तो ऐसे भी न्यूज़ होते हैं जो कहीं से भी सच नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि कोई भी न्यूज़ आता था तो हमें पता था अच्छा यही सच है, पर अभी जब भी कोई न्यूज़ आता है तो हमें कम से कम 10-15 बार उसको रीचेक करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है कि एक्चुअली ये सच है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे झूठी चीज़ें भी सामने रखी जाती है जो एक्चुअली कहीं से भी सच नहीं होता है। सो इसके लिए थोड़ा सावधानी तो हमें बरतनी पड़ती है कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि उससे एक्चुअली अभी जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या जो शायद थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो शायद फिर भी समझ जाए कि मे भी यहाँ पे इतना सच हो सकता है, यहाँ पे झूठ हो सकता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो बता दोगे वो वही मानेंगे, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। उसी का रोल निभाते हुए दीक्षा आपका अनुभव किस तरह रहा? अब वाकई में बहुत कम उम्र की है तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो
दर्दनाक हास्य को फिल्म के सुनहरे पर्दे पर इसका भूमिका निभाना कितनी आसान है, कितनी मुश्किल होती है? मेरी डेब्यू फिल्म है कुकी, सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस वाइज मैं ये बहुत सीखा इस फिल्म से मैंने, बट ये कैरेक्टर प्ले करने में डेफिनेटली बहुत डिफिकल्टीज हुई है मेरी भी, क्योंकि जैसे आप लोगों ने ट्रेलर में देखा, कुकी के साथ बहुत कुछ हुआ है जो मेरे साथ फॉर्चुनेटली अभी तक कभी नहीं हुआ है. एंड इसके लिए द कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है कुकी का, इट वॉज ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि कभी कभी शूटिंग के टाइम पे भी मैं भूल जाती हूँ कि मैं रितिशा हूँ या कुकी हूँ. कभी कभी हम लोग रीना रानी मैम, मेरी मम्मी का कैरेक्टर प्ले करी थी, एंड वो मतलब एक फैमिली जैसा था, एंड हम लोग ही भूल जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि एक एक्टिंग कर रहे हैं एक फिल्म में, और ये सच में मेरे साथ नहीं हुआ है. सो इन दैट सेंस इट वॉज ट्रॉमेटाइजिंग, इट वॉज मेंटली चैलेंजिंग, पर वो कैरेक्टर में जाने के लिए एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा. आई डोंट नो व्हाई, बट एज अ गर्ल, एज अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल, तब मैं 16 थी जब शूटिंग कर रही थी, तो अभी मैं 18 हो गई हूँ. तो एज अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल इन सम सेंस मैं भी रिलेट कर पा रही थी कुकी के साथ. तो वो सीन्स जब हम लोगों ने शूट किए, उसके बाद मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई कि मैं कुकी हूँ या रितिशा हूँ. तो उस प्रोसेस में मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस या होमवर्क नहीं करना पड़ा, पर स्टार्टिंग में डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट एंड सेंसिटिव कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, सो मैंने बहुत रिसर्च किया, आर्टिकल्स भी पढ़े, बहुत वीडियोज़ भी देखे, एंड आई थिंक रीडिंग के टाइम पर भी हम लोगों का मतलब एक बहुत लेंथी वर्कशॉप भी हुआ था. So in that sense, it prepared me for the role. But once I got to play Cookie, once I got to experience the things jo Cookie experienced kar rahi thi, not in real life, but in real life, I think it was easy for me, because as a girl, I think everybody can relate to this to some extent. So unfortunately, isliye playing Cookie's character mere liye as a human, as a little girl, it was inspirational to know her story. It was a different journey. Bahut respect hai for these survivors, and it was challenging but worth it. Aapne jaise bataya ki aap ne research kiya, aap bhi kaafi kam umr ki hai, to aapko kya lagta hai ki aise kya karan hote hain जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दर्द के अपना शिकार बनाते हैं, आप लोगों को आपके मतलब बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिसके कारण इस तरह के हादसे तो बचे? एक्चुअली हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रॉन्ग लोगों को टिप्स दे रहे हैं. इट्स नॉट द गर्ल्स दैट नीड टू बी एजुकेटेड एट दिस मोमेंट. डेफिनेटली वी नीड टू टीच गर्ल्स to empower themselves. Mere jaise bahut ladke, I have a lot of friends, I have a lot of guy friends and a lot of girl friends. So it's a different way ki hum log ye matter deal kar sakte hain. And sirf ladkiyan hi nahi, if this crime goes beyond gender, beyond age. So kabhi kabhi choti ladki ka bhi hum log news dekhte hain, kabhi kabhi we hear about really old people, and we don't just hear about women, we hear about men as well. So मैं एक ही बात बोलूंगी कि एम्पावर योर सेल्फ एज अ पर्सन, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज अ पर्सन. बट हम लोग विक्टिम्स को क्या टिप्स देंगे, इट्स द सोसाइटी दैट वी नीड टू फोकस ऑन. एक्चुअली कि जब ये डिस्कशंस घर में होगी, व्हेन वी टॉक अबाउट इट ओपनली, बहुत टैबू है अभी भी, कुछ वर्ड्स है जो हम लोग बोल नहीं सकते, वी आर लाइक ये मत बोलो, वो मत बोलो, कोई क्या बोलेगा, ये सब बात करने वाली चीज नहीं है. बट व्हेन वी ओपनली टॉक अबाउट इट, जब स्कूल में, घर में, फोरम्स में, मीडिया में ये सब बातें ओपनली होगी, बात डिस्कशन होगा, आई थिंक देन कुछ चेंज होगा थिंकिंग में. क्योंकि बहुत बार लोगों को पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, और
how to deal with it. People don't know because people don't talk about it. So that's, as a girl, अभी आप भी बोले social media का एक बहुत it's the age of social media. So बहुत platforms है where we can talk about it. And I think Cookie जो एक movie है, that's what we are trying to do. हम लोग दिखाना चाहते हैं कि what happens to the victim and while हम लोग ये दिखा रहे हैं, so it's like a we are opening a pathway to discussion. So मैं request करती हूँ सब लोगों को आके वो movie देखने के लिए, because तभी हम लोग घर जाके इस बारे में बात कर सकते हैं. मैडम आप के क्लास में होता, आप एक लॉयर भी हैं, जो डेथ पेनल्टी की जो डिबेट होती है, जो रिक्वेस्ट होता है, उसको लेकर बहुत बड़ा डिबेट चलता है, कहीं ना कहीं लोग काफी पक्ष में आता है, ना कोई तो इसका विरोध भी करते हैं. तो आप एज ए लॉयर क्या मानते हैं कि डेथ पेनल्टी होगा तो इस तरह का जो गुनाह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आप क्या मानते हैं? एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ खत्म नहीं होगा. जो हमारे लॉ बुक्स में है, जो हमारे लॉ में है, लॉ इज अ वेपन बट लॉ इज नॉट द सॉल्यूशन. तो ये खत्म होगा तभी जब पूरे सोसाइटी में इस बारे में लोग सीरियसली सोचना शुरू करेंगे. ये जो एक दो आदमी को डेथ पेनल्टी दे देने से अगर खत्म हो जाता, तो कुछ कंट्रीज में डेथ पेनल्टी है, वहाँ अभी तक खत्म नहीं हुआ है. लेकिन डेथ पेनल्टी एक जरिया हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा ज्यादा इस बारे में अपराधी जो है वो सीरियसली सोचे कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं ये क्राइम नहीं करूंगा. ये एक कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन कंप्लीट यही एक सोल्यूशन नहीं है. इस सोल्यूशन के लिए मतलब पूरा हमको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा इस बारे में. ये तो महाभारत के दिनों से चलती आ रही है, आज की अपराध तो है नहीं है वोमेन के साथ, ये महाभारत के दिनों से चलती आ रही है. अभी तक युग बदल गए हैं लेकिन अपराध खत्म नहीं हुआ है, हमारा नजरिया औरतों के लिए चेंज नहीं हुआ है. तो ये ग्रेजुअली होगा, इसलिए मूवी का हमने ये किया है. एक मूवी जो सोसाइटी में एक ओपिनियन क्रिएट कर सकती है, तो इस जरिए एटलीस्ट सोच तो सकते हैं, अपील तो कर सकते हैं कि क्या होता है, कितना पेनफुल है ये. तो इसलिए मतलब डेथ पेनल्टी as a lawyer to I support it, I support death penalty, but तो I death penalty हम दे देंगे तो वो दरिंदा उस बच्चे को वहीं मार देगा, ऐसे हाँ, मरना है वैसे yes, भी मरना. Yes, yes, ये एक डर है. ये अगर death penalty अब मतलब वो survivor करके उसको छोड़ेगा ही नहीं, वो मतलब वो ये evidence मिलेगा तभी तो मुझे death penalty मिलेगा, तो evidence को ही खत्म करता है. इस तरह का एक opposite reaction भी हो सकता है. जैसे मतलब ये हमारे लॉ डिबेट्स में यही सब बातें आते हैं, तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा इस बात को. इसीलिए लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए. तो स्पीडी ट्रायल भी कर रहे हैं, पॉक्सो में तो ये अभी लागू हो ही गया है कि डेथ पेनल्टी. तो इसीलिए धीरे धीरे इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के लॉ को चेंज करना पड़ेगा. मेरा एक सवाल आपसे है, आपने कहा ये आपकी डेब्यू फिल्म है, इससे पहले आपने कुछ थिएटर किया, वर्कशॉप किया? हाँ, बिठा लेते. फिल्म में एक्टिंग करना मेरा एक पैशन है. सो मैं जब छोटी थी तब मैंने केमियो रोल्स किया था एसमीज फिल्म में. हिंदी मेरी डेब्यू फिल्म है, हिंदी नॉट जस्ट फिल्म, एक वर्क, इट्स माय फर्स्ट हिंदी वर्क. सो पर मैंने किया है ऐसे पहले काम, इन द सेंस स्कूल में बहुत नाटक करती थी मैं, असम में भी नाटक का पार्ट थी. एंड देन जब एज हुआ, जब मैं टीनेज इयर्स में आ गई, देन आई अटेंडेड अ फ्यू वर्कशॉप्स फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी. सो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी के वर्कशॉप से मैंने जो एक्टिंग सीखी वो सीखी. फिर असम में एक वेब सीरीज थी इलीगल, सो इलीगल वेब सीरीज में मैंने एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, जैकलिन स्मिथ था उसका नाम. और उस कैरेक्टर में मुझे मेरे जो बाल थे, आई हैड टू शेव माई हेड. सो तब भी मैंने बहुत सीखा अबाउट एक्टिंग. आई थिंक अभी तक आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इट इंस्टीट्यूशंस में, पर
एक्सपीरियंस से विद अदर एक्टर्स ऑब्जर्वेशन से मैंने जो भी सीखा अभी तक सीख लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बोला है इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और जब लोग देखेंगे ऐसे फिल्म तभी कुछ बात बढ़ेगी, देन देर विल बी डिस्कशन, देन देर विल बी अ फोरम टू टॉक अबाउट। ये फिल्म थिएटर्स में आके लोगों को देखना चाहिए बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म। हर एक डायलॉग, हर एक सीन, हर एक एक्सप्रेशन बहुत माइन्यूटली और बहुत डेलिकेटली चूज किया गया है बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव फिल्म। सो अगर थिएटर में हम लोग फैमिली एक साथ देखे ये फिल्म तभी थिएटर से हम लोग घर में आके बात कर सकते हैं। और ये एक ऐसी फिल्म है कि अगर हम देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि कुकी के साथ ऐसी बहुत कुकी है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कुकी है। सो उसके साथ क्या होता है एंड देन फिल्म में जो बोला है आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, पर एक थॉट क्रिएट होगा। सो व्हेन यू वॉच अ फिल्म जिसमें इतना इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है तभी हम लोगों के, बिकॉज ऑलरेडी मैम ने मैंशन किया इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। सो व्हेन यू वॉच अ फिल्म देन यू थिंक अबाउट इट, और अभी यही चाहिए, थिंकिंग अबाउट इट इज द फर्स्ट स्टेप। सो तभी हम लोग एक प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं टू मे बी, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाएगा बट कुछ तो होगा। सो इसलिए मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करती हूँ, एंटरटेनमेंट भी है, हम लोग एक कमर्शियल वे में ये फिल्म दिखा रहे हैं बिकॉज यू नो इट्स नॉट जस्ट constrained to one audience, it's not just constrained to cinema lovers or art film lovers. Humko general public ko ye film dikhani hai because of the importance of the issue. So commercial aspects mein bahut acche gaane bhi hai, it's a cute love story but it's reality jo hota hai hum logo ke sath, jo hum log dekh rahe wo hum ye film ke through dikhana chahte hain and it's high time that aisi film bhi audience dekhe, appreciate kare, क्योंकि कभी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन हम लोग ये बात ओपनली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर आपका परिचय। सर मेरा नाम है प्रणव जेडेका, इस फिल्म का मैंने राइटिंग किया है और डायरेक्शन किया। क्वेश्चन आप पूछेंगे क्या? किस तरह की मूवी है और आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, आप लोग ने ट्रेलर देखा ही अभी, ट्रेलर और टीजर देखा है, ट्रेलर में आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रेप टीम की कहानी है। सर मेनली ये फिल्म का, जैसे हम लोग बहुत सारे, आप लोगों को भी मालूम है, बहुत सारे फिल्म आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारा फिल्म रेप विक्टिम के ऊपर बना है जो कोर्ट और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये फिल्म बियॉन्ड उस सब्जेक्ट को, बियॉन्ड मतलब विक्टिम के साथ लेके गए, उसके बाद क्या होता है उसके साथ, कैसे उसको डील करना चाहिए और उसके साथ, उस विक्टिम के साथ क्या होता है। हमारा ज़्यादातर फिल्म लोगों को कोर्ट में अगर हम लोग ने मतलब विक्टिम को जस्टिस दे दिया तभी ख़त्म हो जाता है ये फिल्म। उसकी आगे जाके कैसे विक्टिम के साथ क्या होना चाहिए उसकी ऊपर। सर आपने देखा ही होगा पोस्टर में, इसमें जो कुकी का कैरेक्टर किया है वो रितिशा खाऊ में न्यू कमर है, फर्स्ट फीचर फिल्म है उसकी। नेक्स्ट है राजेश तेलंग सर है, उसके बाद है दीपांविता शर्मा है, डेबोलिना भट्टाचार्य है, रीना रानी है, बोधिस्तो शर्मा है और बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सर डेबोलिना का लेने के खास मकसद मतलब कास्टिंग फिल्म का कैसे है, आप कैरेक्टर लिखते हैं उसके साथ मैच होने वाली एक्टर को ढूंढते हैं, उसी सिलसिले से डेबोलिना पे कास्ट हुई। सर आपका परिचय। मेरा नाम अमृत प्रीतम है, मैं फिल्म का साउंड डिजाइनर एंड मिक्सिंग इंजीनियर। सो बेसिकली आई हैव डन द साउंड डिजाइन फॉर एंटायर फिल्म एंड मिक्सिंग। काम को लेकर क्या कहना, किस तरह का साउंड डिजाइन किया इसमें? सी बेसिकली इट वाज अ सिंक साउंड फिल्म, सो इट वाज लाइक यू नो डायरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन लोकेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ हार्डकोर स्ट्रांग मैसेज वाला फिल्म है। तो उसके लिए वी जस्ट हैव बीन ट्राइंग टू डू अ रियलिस्टिक साउंड फॉर इट इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग लाइक टिपिकल बॉलीवुड। सो उस टाइप का काम करके हम लोगों ने मिक्सिंग करके निकाला। तो इट्स लाइक यू नो इट्स मोस्टली वी आर कीपिंग इट रॉ बिकॉज़ इट्स द फिल्म डजंट हैव एनी फाइट और डिसिम डसा फॉर समथिंग लाइक दैट।
बोला ना उसमें भी ये जो आप लोग नॉर्मल हिंदी फिल्म में जैसे देखते हैं उसी हिसाब से नहीं है, पूरा रॉ है, सो दैट ऑडियंस कैन फील द पेन एंड डिजास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी, यू नो, व्हेन द रेप इज गोइंग ऑन, बिकॉज़ यू हैव टू फील इट लाइक आउट द पेन, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट मोर कलरफुल समथिंग लाइक दैट, सो मेक इट वेरी रॉ एंड हार्ड, सो दैट लाइक इफ यू गेट द पेन एज अ ऑडियंस यू कैन फील द पेन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट. लोग उन लोगों को देखने के लिए जाते हैं, तो आप जितना भी मेहनत करो कुछ भी करो, शाहरुख का फिल्म में शाहरुख खान को देखने के लिए जाएगा, उसका फैन फॉलोइंग के लिए जाएगा या स्टार को फॉलो करके जाता है. हम लोग का ऐसे कोई बड़ा स्टार नहीं है, और उसमें क्या है कि ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये रियलिस्टिक फिल्म है, तो उसके लिए क्या है ना एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इट रियलिस्टिक वे. तो ये सब फिल्म में ना ज़्यादा टाइम लगता है काम करने के लिए रेदर देन डूइंग ए बिग बजट फिल्म्स. नमस्ते, मेरा नाम तपन जोरी दत्ता है, मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजर हूँ. इसमें एक सॉन्ग मेरा है और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया है. सो इस तरह की फिल्म में म्यूजिक भी अलग होता है, गाने भी अलग होते हैं, जैसे कि म्यूजिक बताया, साउंड इफेक्ट भी अलग होते हैं. जैसे कि आप मान सकते हो कश्मीर फाइल्स, उसका बैकग्राउंड में भी मैंने काम किया है. सो क्या होता है, ऐसे जो रियल स्टोरीज होते हैं ना, इस पर काम करना बहुत मुश्किल है. सॉन्ग्स को सॉन्ग्स एक सॉन्ग वहाँ पे बिठाना उससे भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि आपकी सॉन्ग आपकी स्टोरी स्टोरी को बयां करती है, आपकी सॉन्ग आपकी स्टोरी को लेकर जाती है. तो इसके लिए जो सॉन्ग मैंने बनाया इस फिल्म के लिए, ये सॉन्ग बहुत ही मतलब इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं आप, क्योंकि सॉन्ग के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि एक रैप विक्टिम के ऊपर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है. और देखो रैप क्या होता है हम सबको पता है कैसे होता है, लेकिन उसके बाद उनकी जो मेंटल सिचुएशन होती है, एक लड़की को समाज के सामने उसकी क्या वैल्यू है, समाज उनको कैसे नजर से देखते हैं, तो ये सारे चीज़ों से एक लड़की फाइट करती है, ये सारे सामाजिक जो सोशल इशू से उनके साथ फाइट करते हैं. तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और इसमें म्यूजिक करना तो बहुत मतलब बहुत ही टफ एक जॉब है. और कोशिश क्या है, बस आप देखिए 28 को रिलीज हो रही है. क्या उम्मीदें हैं सर अपने म्यूजिक से? सॉरी, क्या उम्मीदें हैं इस गाने को लेके? गाने तो वो आइटम सॉन्ग नहीं है ऑफकोर्स, तो गाने बहुत सेंसिटिव सॉन्ग है, और मुझे लगता है कि अगर लोग सुनेंगे तो लोग ताली बजाएंगे, लोग और बार बार सुनेंगे. सुनील चौहान ने वो गाना गाया है और डॉक्टर सागर ने गाने को लिखा है. सो बाकी सॉन्ग ने रितिका ने गाना गाया है, एक गाना दिव्या कुमार ने भी गाया है, दिव्या और फेज ने भी गाया है, मोहम्मद फेज ने भी एक गाना सॉन्ग. यस, पल पलकों से मिलके अक्सू से मिलके बिखरे मेरे ख्वाब है, कुछ ना समझ आए बारिश की बूंदों में पानी या तेजाब है. मैंने कभी तो देखे थे सपने, बरसेगी बरखा पलकों पे अपने. थैंक यू, मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ. थैंक यू.